हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस बार मैं आई हूँ सूरजकुंड का मेला। आप देख सकते हो मैं सूरजकुंड के मेले में खड़ी हूँ। यहाँ पे टिकट है और वीकेंड पे यहाँ पे महंगी टिकट होती है 180 की पर पर्सन। अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑफ मिलेगा, लेकिन वीक डेज में मिलेगा। और वीकेंड पे टिकट आपकी 180 होती है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, कोई वो नहीं है, छूट नहीं है। और वीक डे में यहाँ पे टिकट है 120 का। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो यहाँ पे टिकट तो 100 का पड़ेगा आपको, 20 में छूट है। अभी मैंने जस्ट एंट्री करी है और मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पे दिखाते जाऊँगी अलग अलग स्टेट का। यहाँ पे स्टॉल लगा होगा और उनपे क्या क्या खासियत, मतलब जो उनकी खासियत है वो यहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। ये टिकट काउंटर है जहाँ से मैंने एंट्री करी थी। नॉर्थ ईस्ट थीम है इसलिए बैम्बू का गेट है उसमें। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह पे ये बनाए गए हैं स्टैचू से। जैसे यहाँ पे मोर बनाया गया है, यहाँ पे रिक्शे को सजाया गया है और यहाँ पे स्टॉल नंबर भी लगे हुए हैं। यहाँ पे ये लोग डांस करते हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, नगाड़े। हाँ, नगाड़े बजते हैं, फिर यहाँ पे लोग डांस करते हैं और ये लोग भी डांस करके दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है। अगर आप सूरजकुंड आ रहे हैं तो इसे घूमने ज़रूर आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे देखने लायक बहुत सारी चीज़ें, आप पूरे एक दिन में इसे देख भी नहीं पाओगे। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको डांस वगैरह भी हो रहा है और कोई भी डांस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि चार्ज देना है आपको। और रास्ता देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है। यहाँ पे देखो आपको जगह जगह पे ऐसे ही डांस मिलेंगे लोग परफॉर्म करते हुए। आप यहाँ पे इनके साथ डांस कर सकते हो और फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जगह जगह पीने का पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप पीने का पानी, टॉयलेट, आप सब कुछ जा सकते हो। जगह जगह लगाए हुए हैं बोर्ड। यहाँ पे खाने पीने का पूरा इंतजाम है दोस्तों। यहाँ पे फूड कॉर्नर अलग से लगा हुआ है, यहाँ से आप खा सकते हो। यहाँ पे देखो हर जगह यहाँ पे फूड कॉर्नर बनाए हुए हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं। ईरान है शायद इनका स्टॉल, सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ फूड कॉर्नर है काफ़ी सारे, खाना काफ़ी अच्छा है लेकिन बाहर के हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन खाने का आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे यूएई का काउंटर है, यहाँ पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ये हरियाणा का घर है, हरियाणा के पुराने घर ऐसे हुआ करते थे तो यहाँ पे लगाया हुआ है ये। ये देखो व्हील भी है, पर छप्पर भी डाला हुआ है। ये हरियाणा का पुराने टाइम का, देखो पगड़ी बनवाओ, फोटो खिंचवाओ यहाँ पे।
पे ये राइनो है, यहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग स्टेट के हट लगे हुए हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान है और हट नंबर लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हर जगह पे आपको फूड कोर्ट भी मिलेंगे, पुलिस यहाँ पे घूम रही है हर जगह, कोई भी दिक्कत होती तो आप उनसे बात कर सकते हो। और ये मैं बिल्कुल एंड पे आ गई हूँ, यहाँ से एग्ज़िट है और इसके बाद हम यहाँ से वापस लौटेंगे इस शेर के पास। यहाँ पे एंड है, काफ़ी खूबसूरत लगा हुआ है, बहुत सुंदर लगा है दोस्तों। मेला ज़रूर आएँ और घूमें यहाँ आके। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ से देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों एंड से कितना रश आया हुआ है वीकेंड पे, और बहुत ही अच्छा मेला लगा है। आप आओ यहाँ पे विजिट करो, बहुत बढ़िया मेला है यहाँ। दोस्तों यहाँ जगह जगह आपको इस तरह के परफॉर्मेंसेज देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हर जगह लगातार परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं कुछ ना कुछ, तो यही यहाँ आने का मज़ा होता है। आप आओगे तो आपको लगेगा कि मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। आप फैमिली के साथ अगर दिल्ली NCR आसपास हैं तो ज़रूर आइए दोस्तों, बहुत ही मतलब मज़ेदार है। और हर जगह परफॉर्मेंसेज हैं, खाने पीने का स्टॉल, हर चीज़ के अलग अलग कंट्रीज के भी लगे हुए हैं पूरे स्टॉल। ये देखिए, यहाँ देखिए कोई भी इनके साथ डांस करके मज़े ले सकता है, ऐसे लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हर जगह आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये अब पता नहीं कौन सी इससे बिलोंग करते हैं, पर इनके सर के ऊपर और बीच में नाच नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है ये। यहाँ पे देखो आज हमें फैंसी लाइट वगैरह भी ले सकते हो, अभी शाम होते होते लाइटें ऑन हो जाएंगी कलरफुल, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा ये मेला। जगह जगह आपको ऐसे डांस वाले पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे आप डांस कर भी सकते हो, इनके साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो। जगह जगह यहाँ पे ऐसे लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं और पूरी सेफ्टी अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पे। आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो एमरजेंसी में यहाँ पे मेडिकल वाले भी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, और हर जगह आपको पुलिस मिलेगी यहाँ पे जो आपकी हेल्प के लिए है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे खो भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी अपना नाम बता दो बाहर काउंटर पे, वहाँ पे बुलवा देंगे माइक में और आप इजीली मिल भी जाते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर खो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मेला है। आपको इस तरीके की स्टॉल्स मिलेंगी, और ये देखो घोंसले, बया के घोंसले जो कहे जाते हैं, हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं हर शॉप पे। अभी तो कुछ कंस्ट्रक्ट भी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी ये शुरू है, तब तक अभी काफ़ी दिन है तो शायद यहाँ पे भी कुछ लग जाएगा। देखिए काफ़ी सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए, कम से लेके बहुत हाई रेंज तक आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, साड़ी सूट वगैरह। मैंने पूछा तो अभी यहाँ 1500 से लेके 3500 6000 तक के सूट साड़ी आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। यहाँ पे ये मेटल की चीज़ें हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत सूट है, इस टाइप के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत बड़ा है ये, पूरा दिन चाहिए घूमने के लिए।
और आप एग्जिट कर सकते हो कहीं से भी, काफ़ी सारे गेट हैं इसके। एम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है दोस्तों ये गेट नंबर एक के पास। इन सब के अलग अलग प्राइजेज हैं, यहाँ पे अलग अलग टिकट लेनी पड़ती है आपको, और उसके बाद यहाँ पे आप जितने सारे झूले इनकी राइड कर सकते हो।